चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बदस्तूर बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल 104 तो डीजल 97 के पार। पेट्रोल डीजल की दर में कमर तोड़ वृद्धि जारी है। पेट्रोल 27 पैसे डीजल 8 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की दर 104 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर तो वही डीजल की जो दर है वो 97 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो अब शतक के भी बहुत आगे जाओ पहुंच गया है पेट्रोल। तो वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, बदस्तूर ये वृद्धि जारी है। तो पेट्रोल 104 तो डीजल 97 के पार हो चुका है। तो पेट्रोल की और डीजल की दर में कमर तोड़ ये वृद्धि, और ये वृद्धि कहीं ना कहीं आमजन की जो है कमर उसको भी तोड़ रही है, क्योंकि कोरोना काल के मुश्किल वक्त के बाद जब ऐसे उद्योग धंधे व्यापार बिजनेस सब ठप पड़े, ऐसे में इस तरीके से महंगाई की मार और आमजन लाचार। पेट्रोल में 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई है तो वहीं डीजल 8 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की दर 144 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है तो वहीं डीजल की दर 97 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। बहुत सारी दिक्कतें आमजन के सामने कोरोना काल के मुश्किल वक्त के बाद, और उसके बाद इस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्मल देखिए, बदस्तूर यहाँ पे वृद्धि जारी है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। बिल्कुल आयुषी, लगातार देखिए ये 52 दिन हो चुके हैं। 4 मई को बढ़ना शुरू हुए थे पेट्रोल डीजल के दाम, उसके बाद लगातार ये 52 दिन ऐसे हो चुके हैं जिसमें 52 दिन में करीब 30 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इस अवधि में अगर हम 52 दिनों की बात करें तो पेट्रोल 7 रुपए 67 पैसे और डीजल 8 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो $73.66 के आसपास स्थिर बनी हुई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अभी भी स्थिर है, उसके बावजूद देश और प्रदेश के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 8 पैसे महंगा हुआ, यानी पेट्रोल राजधानी जयपुर में 104 रुपए 44 पैसे और डीजल 97 रुपए 35 पैसे, जबकि जो आउटस्कर्ट्स के जो जिले हैं, बाहर के जो जिले हैं, खासकर गंगानगर की बात करें तो देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल वहीं पर मिल रहा है। उसके अलावा अन्य जिलों की भी बात करें तो जयपुर से उन जिलों के बीच में 2 से 3 रुपए का अंतर बना हुआ है। और देखिए राजस्थान की बात करें आयुषी, तो राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिल रहा है, सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में वसूला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, जबकि देखिए कोरोना पैंडेमिक का दौर चल रहा है, लोग आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान जो आम आदमी की जरूरत होती है वो काफी महंगा हो चुका है, और लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं तो इनकी भी महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य तेलों की बात करें, खाद्य दालों की बात करें, अनाज की बात करें, चीनी चाय की बात करें, ये जो तमाम चीजें, सब्जियों की बात करें, ये इस समय अपने सर्वोच्च महंगाई का जो सर्वोच्च स्तर है उस पर कायम है। यानी कि जब कोरोना के दौर में आम आदमी को जरूरत थी राहत की, वो आहत हो रहे हैं। ना तो केंद्र सरकार ने और ना राज्य सरकार ने किसी तरह की राहत देने की कोशिश की है, दोनों एक दूसरे का परस्पर मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने इन 15 महीनों के अंदर 14% से ज्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई है, राज्य सरकार ने 6% वैट बढ़ाया था, 2% वापस ले लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी के लिए जब वो आर्थिक संसाधनों से जूझ रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली है, लोगों के रोजगार धंधे छिने हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, तो निश्चित तौर पर कोशिश ये होनी चाहिए केंद्र की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल एक्साइज और वैट के अंदर राहत देकर पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनको नियंत्रित किया जाए। साथ ही साथ जो तेल कंपनियां हैं जो लगातार सोरसा के मुंह की तरह उनका मुंह बढ़ता जा रहा है उनको भी नियंत्रित करना। बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये आफत बन चुकी है इसमें अब राहत की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए।